कहना चाहूँगी कि इनिशिएटिव हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले रिजुवा सेंटर, संतोष पांडे जी, ASBB और जागृत फाउंडेशन की तरफ से ये मुहिम उठाने के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और आप सभी लोगों को मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे हमें ऑलवेज कहा जाता है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान बसते हैं, गॉडलीनेस इज़ नेक्स्ट टू क्लेनलीनेस। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम जो है 2 अक्टूबर को उठाया है, और उनका यही मकसद है कि हम ये इनिशिएटिव को अपनाएं हमारे रोज़ एवरीडे लाइफ, निजी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी, मन स्वच्छ, शरीर स्वच्छ और पर्यावरण भी स्वच्छ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मरीन लाइफ के साथ साथ ये जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, अगर वो भी पोल्यूटेड है तो हो गया हमारा काम। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू टेक दिस रियली सीरियसली, ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हमारा जो सिटी है, बॉम्बे जो सिटी है, इज़ वर्ल्ड रिनाउंड। आज मोदी जी ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, इसके साथ साथ कमर्शियल कोर जो है इंडिया की बम्बई है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सीरियसली लें। अच्छा सिटीज़न बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और हर एक नागरिक जो है, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड टेक दिस सीरियसली। हम अपना घर साफ रखते हैं, मन साफ रखते हैं, प्लीज़ आपका शहर भी साफ रखे, आपके आजू बाजू। मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मेरे गाड़ी में डस्टबिन है, मेरी 9 साल की बच्ची है, उसको भी पता है कि बाहर चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए, उसको भी पता है कि कोई बाहर वाला थू करे तो उसको छी बोल देती है, उसको सिखाया मैंने बाहर नहीं थूकना, और कोई थूके तो उसको एहसास दिलाना कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिविक सेंस, एजुकेटिंग योर फ्यूचर, योर जनरेशन, द यूथ, प्रिवेलिंग अपॉन एवरीबडी कि आप सब आओ ऐसे करो। क्योंकि मैं तो चाहूँगी, मैं जब आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ, जब मैं बाकी के शहर देखती हूँ, दुनिया देखती हूँ और उनकी स्वच्छता देखती हूँ, तो लगता है यार हम क्यों नहीं ऐसे हो सकते, हमारा देश क्यों नहीं ऐसे हो सकता, जहाँ मैं रहती हूँ वो जगह क्यों नहीं ऐसी हो सकती। हो सकती है अगर हम सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम ले, जैसे हम अपने घर के लिए लेते हैं वैसे हमारे देश के लिए, हमारे सिटी के लिए ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आप क्या कहेंगे डॉक्टर सर? सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आप सभी लोगों को और यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को, पूरे स्काउट से लेके NCC से लेके और ढेर सारे लोगों को जिन्होंने सुबह से लेके और आज लगभग 10-11 दिनों से ये मुहिम रेगुलर स्टार्ट है। और ये मुहिम ऐसे नहीं बोलता कि अभी के लिए होना चाहिए, एक्चुअली मैं अभी ईसा जी से बात कर रहा था, इन्होंने बोला ये हमको सालों साल चलना चाहिए। yes. तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो इसका ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए जो इस तरह की सोच रखते हैं। और क्या है ना पांडे जी, सॉरी टू कट यू, हम लोग यहाँ आते हैं, 4 चीज़ें उठाते हैं जो सही में काम करते हैं हमारे वर्कर्स। आज कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं, BMC के जो हमारे कार्यकर्ता है या हमारे वर्कर्स, उनको तो मैं सल्यूट करती हूँ। रोज आके हमारी गंदगी, द डंप दैट वी थ्रो, वो लोग क्लीन करते हैं। यू नो इट इज़, मतलब रिस्पेक्ट बढ़ती है कि हमें जितना हो सके हमें हमारा काम करना चाहिए, हमें हमारी गंदगी उठानी चाहिए। गंदगी करो ही नहीं तो उठाने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं, दैट्स ट्रेंडिंग इज मस्ट। और ये चीज़ अभी वीडियो बना के हम लोग शेयर भी करेंगे, और ऐसे लोग जो जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, जिनको लोग पहचानते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए दुनिया भर की जो बीमारियां लेके आती हैं उनको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। प्रोफेशन के बारे में बता दीजिए क्या? मैं डॉक्टर संतोष पांडे रिजु एनर्जी सेंटर का MD हूँ, और जहाँ पे हम लोग बहुत सारे कैंप्स करते हैं हमारे NGO सनमैन हेल्पिंग हैंड के साथ, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर ईसा जी खड़ी हैं। मेरी आज शक्ल है, मेरी सेहत है, इन्हीं की बदौलत है, सच में बोल रही हूँ मैं। आई एम नॉट पेड फॉर इट, थैंक यू मैम। लास्ट वाली है, मतलब कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस जो देख रही है आपके फैंस को? मैसेज को देंगे, मैं मेरे फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी आज ये मुहिम की तरफ से कि देखिए आप सब लोग जानते ही हैं कि आई बिलीव इन बींग नेचुरल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि खुद को नेचुरल रखना है तो आपको अपने पर्यावरण को नेचुरल रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उस चीज़ की। तो प्लीज़ स्टार्ट, मतलब ये मत समझिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आई थिंक एवरीबडी कैन मेक अ डिफरेंस, ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस। तो मैं आप हाथ जोड़ के आप सभी से यही उम्मीद रखूँगी कि हमारे देश को, हमारे सिटी को, हमारे शहर को एकदम क्लीन रखिए, अपने दिल को साफ रखिए, अपने दिमाग को साफ रखिए, अपने घर को साफ रखिए, और आजू बाजू हर जगह को जितना हो सके उसको गंदा मत कीजिए। बहुत बढ़िया। तो एक स्लोगन है उसके लिए, जय भारत स्वच्छ भारत जय हिंद। स्वच्छता में ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। थैंक यू, थैंक यू।
पहले तो सब जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन सब को वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. आई रियली रियली विश के हर साल की तरह इस साल भी आपने जो जो भी बप्पा से मांगा वो आपकी ख्वाहिशें, आप कि जो जो चीज़ें जो आप चाहते हैं लाइफ में वो मंजूर हो जाए, वो कबूल हो जाए. पहले तो वो, दूसरी बात ये कि मैं ये जो बीच क्लीन अप है ना, ये बहुत साल से करना चाहती थी मगर कभी मौका ही नहीं मिला. मैंने इतने लोगों को बोला कि यार मुझे बुलाओ, मुझे साफ़ करना है, बिकॉज एक सेंस ऑफ सर्विस जो होती है ना वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है. हम जो करते हैं वो करते ही रहते हैं लाइफ में, और हमारी चीज़ों के लिए जो हमको करना होता है ना, काम है, लोग हैं, लाइफ है, उसके लिए हमें कभी टाइम कंप्लीट या पूरा नहीं मिलता. उस इन सब चीज़ों के लिए टाइम बनाना पड़ता है. एंड आई एम सो ग्लैड कि आज सुबह में मैं एक छोटे से मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू नो सर्विस का एक हिस्सा बन चुकी हूँ, क्योंकि ये जो बीच है ना इसमें पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं हर साल और हर रोज़, और इसमें हमारा कचरा हम डाल जाते हैं, तो इसको साफ करने के लिए भी हम जैसे लोगों को ही उतरना पड़ता है, इन जैसे बच्चों को उतरना पड़ता है, मगर सब लोग साफ कर रहे हैं. आज मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिली, और वो ये चीज़ है कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव हो सकती है अगर हम ये समंदर को साफ रखें. दो, जो हम निकाल भी रहे हैं वहाँ से उसमें भी सेग्रीगेशन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है. एक तरफ प्लास्टिक है, दूसरे तरफ नेचुरल वेस्ट है, तो उन चीज़ों को सेपरेट करके फिर क्लीन करना उसमें अलग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका पर्पस अलग है. तो आई होप जो जो लोग साफ़ कर रहे हैं समंदर, जो जो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो. एंड थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई Hope we all can keep our oceans clean. Thank you guys. Thank you. Thank you so much. Doctor ne mujhe bulaya yaar aaj karne ke liye. Thank you. Suraj. Thank you guys.